अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स फिजिक्स चैप्टर फोर सिंपल मशीन पार्ट फोर पेज 63। पुली। व्हाट इज़ पुली? पुली एक सर्कुलर डिस्क है मेड ऑफ मेटल और वुड विद ग्रूव्स अलोंग इट्स रिम। यहाँ पे देखिए फिगर 4.15 में एक पुली है। यहाँ पे सब पार्ट्स मार्क किया गया है, रूफ, ग्रूव्ड रिम, एक्सल, डिस्क, ब्लॉक, एवरीथिंग इज गिवन हियर। एंड पुली की मदद से हम लोग आराम से बकेट को पुल कर सकते हैं फ्रॉम अ वेल। सो यू विल गो थ्रू दिस फिगर 4.15। व्हाट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज? पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एक आइडियल पुली के लिए एफर्ट अप्लाई जो होता है शुड बी इक्वल टू द लोड, दैट मीन्स एफर्ट इज इक्वल टू लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लोड बाय एफर्ट, दैट इज़ वन। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा हम लोग का वन से कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एफर्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोड। ओके, तो सम एफर्ट लॉस्ट हो जाता है इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। हम लोग पुली यूज़ करते हैं टू लिफ्ट अ हेवी लोड। दिस इज़ बिकॉज द पुली अलाउज अस टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। क्योंकि पुली हेल्प करता है हम लोग को आराम से एफर्ट लगाना कन्वीनियंट डायरेक्शन में, दैट इज़ डाउनवर्ड्स। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेज अ लोड डायरेक्टली अपवर्ड। तो इसीलिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं? पुली की मदद लेते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ पुलीज गिवन हियर इन योर बुक्स, सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। द फिगर इज गिवन हियर, फिगर 4.16, अ सिंगल फिक्स्ड पुली। तो सिंगल फिक्स पुली क्या है? इसमें एक फिक्स्ड एक्सल होता है, रोप पास होता है ओवर द पुली, लोड अटैच होता है एक एंड में और दूसरा एंड में क्या रहता है मेरा? एफर्ट रहता है। फिक्स पुली हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये यूज़ होता है जब हम लोग पानी निकालते हैं कुआं से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिंगल मूवेबल पुली। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में आइएगा तो यहाँ पे फिगर 4.17 मिलेगा, अ सिंगल मूवेबल पुली। तो इसका एक एंड में क्या होता है, वन एंड ऑफ द रोप में क्या होता है? एफर्ट होता है, और दूसरा रोप मेरा फिक्स्ड सपोर्ट की मदद से अटैच रहता है। एंड द कम टू द डेफिनेशन, व्हाट इज़ रिटन हियर? सिंगल मूवेबल पुली मेरा उसमें फ्री एक्सल होता है, यानी कि इट इज़ फ्री टू मूव। तो मूवेबल पुली में वन एंड ऑफ द रूप इज़ फिक्स्ड एंड द एफर्ट इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड, विच आई हैव ऑलरेडी शोड यू इन द फिगर। दिस टाइप ऑफ पुली इज़ यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हेवी लोड्स। यानी कि ये कहाँ होता है? क्रेन्स में, जब हम लोग हेवी लोड्स लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। नेक्स्ट इज inclined plane. What is inclined plane? You can see figure 4.18. A person has to load heavy drums onto a truck. यानी कि ये क्या कर रहा है, ड्रम को लोड कर रहा है ट्रक में, तो बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको लिफ्ट करने में, तो वो क्या करेगा? बट ही और शी कैन डू दिस बाई यूजिंग अ वुडन प्लैंक। अगर शी वुडन प्लैंक यूज़ कर लेता तो आराम से इसको ये यहाँ पर लिफ्ट कर सकता। तो दिस इज़ नो इंक्लाइंड प्लेन, एक स्लोपिंग सरफेस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लोड को अपवर्ड मूव करने के लिए, यानी कि ऊपर की तरफ। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसका, इंक्लाइन प्लेन का? यहाँ पे देखिए फिगर 4.19, एन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन हमेशा वन से ज़्यादा होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि एफर्ट जो अप्लाई करते हैं हम लोग लोड को लिफ्ट करने में is always less than the load. That means because the effort applied to lift a load, effort is less as compared to the load. तो mechanical advantage यहाँ पर क्या है, length of slope upon height, that is the less the length of the slope, the less is mechanical advantage. यानी कि जितना less होगा मेरा length slope का, उतना कम होगा मेरा mechanical advantage. नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। स्मॉल रैम्प्स हम लोग यूज़ करते हैं हाउस के एंट्रेंस में, ये यूज़ होता है ताकि स्कूटर और मोटरसाइकिल हम लोग घर के अंदर कर सके बाय पुशिंग देम अलोंग द रैम्प। रैम्प मेरा इट्स नथिंग बट अ इंक्लाइन प्लेन जो प्रोवाइड होता है हॉस्पिटल में भी, ये रहता है, ये हेल्प करता है पेशेंट को ऊपर उठाने में। यानी कि यहाँ पे देखिए व्हील चेयर में पेशेंट बैठा हुआ है और ये यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन से उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दिस हेल्प्स द पेशेंट टू मूव अप। नंबर थ्री, रोड्स जो हिली एरियाज़ में होता है वो हमारा इंक्लाइन रहता है विथ स्मॉल स्लोप, ताकि व्हीकल्स आराम से मूव कर सके विथ लेस एफर्ट।
स्टेप्स हम लोग बिल्ड करते हैं इंक्लाइन प्लेन में, ताकि हम लोग आराम से स्टेकेस बना सकें।